ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। जंगी हालातों को देखते हुए एक रूसी नेता ने ऐलान कर दिया है कि महज 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस पर मिसाइल हमला करने को रूस तैयार हो चुका है। खबर तो यह भी आ रही है कि रूस ने शैतान 2 के नाम से कुख्यात सरमत मिसाइल को बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। तो क्या वाकई में पूर्वी यूक्रेन में रूस ने तीसरी बड़ी जीत हासिल कर ली है? रिपोर्ट देखिए। पूर्वी यूक्रेन में हार रहे नेटो और यूक्रेन, पुतिन के बेहद करीबी और रूसी राजनेता वाचेस्लाव वोलोडिन की तस्वीर को गौर से देखिए। इस रूसी राजनेता ने 3 वाक्यों से दुनिया को बता दिया है कि इस वक्त रूसी सेना ने नेटो और यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन में बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया है। साथ रूसी राजनेता वाचेस्लाव वोलोडिन ने यह भी दावा कर दिया है कि रूस ने अपनी सबसे घातक और लंबी दूरी की मिसाइल सरमत से नेटो देशों पर हमले करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा रूस के राजनेता वाचेस्लाव वोलोडिन ने यह भी दावा किया है कि रूस महज 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में जुट गया है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में नेटो और यूक्रेन के घातक हथियारों को रूस कैसे तबाह कर रहा है और रूस के सामने यूक्रेनी सैनिक और नेटो के लड़ाके क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस की तीसरी बड़ी जीत। सितंबर तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रस्क तक यूक्रेनी सेना को रौंद डाला है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के एक बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक डोनेस्क के हेओरविका इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी सेना की इस जीत को यूक्रेन की बहुत बड़ी हार माना जा रहा है। रूसी सेना ने हेओरविका इलाके क्षेत्र में मौजूद यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। यूक्रेन का हेओरविका इलाका सैन्य और रणनीतिक रूप से यूक्रेन और नेटो के लिए बहुत ही अहम इलाका था, जो अब यूक्रेन हार चुका है। हेओरविका जीतने के बाद दावा किया जा रहा है ये रूस की पूर्वी यूक्रेन में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। ये भी दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउदिनो का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना का यहां तक दावा है कि उसने सुमेय इलाके में यूक्रेन और नेटो की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 42 विदेशी सैनिकों को मार दिया है। यूक्रेन और नेटो के साथ रूसी सेना इस वक्त कम से कम 200 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। На цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Хамле ко таяр сармат місайл. 3 мінут 20 секунд ме НАТО таба. राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों की एक बड़ी मीटिंग में दो टुक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधा जंग शुरू हो चुकी है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो देश दावा करें कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूस का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त कुर्स से लेकर पोक्रस्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं।
कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। पुतिन का पहला टारगेट फ्रांस, सरमत मिसाइल से हमले की तैयारी। रूसी नेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच सकती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनटों में ही तबाह कर सकती है। पुतिन का ड्रोन ऑर्डर, 14,00,000 ड्रोन से करो हमला। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 940 दिन होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1000 किलोमीटर इलाके में भयंकर जंग चल रही है। अभी तक जंग में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले दोनों तरफ से बहुत ज्यादा किए गए हैं। यूक्रेन भी पिछले 6 हफ्तों में रूस के कुर्स, बेलगरद, कब्जे वाले क्राइमिया, मॉस्को तक ड्रोन से सबसे ज्यादा भीषण हमले किए हैं। लेकिन पुतिन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। पुतिन को पता है कि यूक्रेन की आड़ में नेटो के 32 देश रूस को तबाह, बर्बाद और कंगाल कर देना चाहते हैं। पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रूस हारता है तो रूस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों पर इतने बड़े और घातक हमले का ऐलान कर दिया है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। पुतिन ने 14,00,000 ड्रोन से हमला करने का प्लान बना लिया है। रूसी दावों के मुताबिक युद्ध में आत्मघाती ड्रोन की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए पुतिन ने साल 2026 तक जंग जीतने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने साल 2024 में ही आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि साल 2023 में रूस के पास अलग अलग तरह के कुल 1,40,000 ड्रोन थे, लेकिन अब पुतिन 10 गुना ड्रोन का उत्पादन करके यूक्रेन और नेटो के चीथड़े उड़ा देना चाहते हैं। रूस 2024 में ही ड्रोन उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाकर लगभग 14,00,000 करने जा रहा है। हम आपको बता दें, पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलकर जितनी मिसाइलें एक महीने में बनाती हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस हर महीने बना रहा है। 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы. Шайтан до се камп гэ Зеленский ор Байден. पुतिन के इरादों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन जंग को किस लेवल पर ले जा चुके हैं। इसीलिए रूस ने अब अपने ब्रह्मास्त्र सरमत मिसाइल को नेटो के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। जरा देखिए कैसे रूस की सरमत मिसाइल गेम चेंजर बनने जा रही है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत को जंग में उतार दिया है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसमें एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और जरूरत के वक्त इन्हें अलग अलग दिशाओं में दागा जा सकता है। सरमत मिसाइल की कुल लंबाई 35 मीटर यानी 115 फीट है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल एक साथ 10 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड, 16 छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का कुल भार 200 टन से अधिक है। यही वजह है कि नेटो देश रूस के शैतानी मिसाइल से घबरा रहे हैं।
कुल मिलाकर रूस से यूक्रेन जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पुतिन हर हाल में जंग जीतना चाहते हैं, जबकि नेटो यूक्रेन की आड़ में रूस को तबाह करके खुद की बादशाहत कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है।